दुकान नहीं चल रही है, दुकान को नजर लग गई है, सामने किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने दुकान खोल ली है और वह आपकी दुकान चलने नहीं दे रहा, या फिर किसी भी प्रकार से आपकी दुकान को बंधा हुआ मान लिया जाए, तो क्या ऐसा उपाय है जिसे करने से उसका किया कराया बिल्कुल दूर हो जाएगा? जी हाँ, दुकान के अंदर यदि किया कराया की परेशानी आ रही है या फिर किसी की तरह दुकान बांध दी गई है, पूरी मार्केट के अंदर भी दुकान आप ही की विशेष थी लेकिन अब उस पर काम नहीं है, ग्राहक आ रहा है पर खाली हाथ लौट जा रहा है, माल होने के बावजूद भी आपकी दुकान से नहीं ले रहा, यही परेशानी यदि आपके साथ भी आ रही है, तो एक छोटा सा उपाय है जिसको कर लेने से आपके दुकान के अंदर कोई भी किया कराया का समस्या यदि है तो वह दूर हो जाएगी। क्या करना है? दुकान के अंदर आपको एक बार तो यह चेक कर लेना है अपने हाथ से झाड़ू लगाकर, नौकरों के हाथ से नहीं, कि किसी भी प्रकार से कोई काली दाल का या फिर मोर पंखी का कोई अंश आपको प्राप्त होता है या नहीं। यदि ऐसा होता है तो समझ जाइएगा कि कोई समस्या जरूर है, काले तिल, काली दाल या कोई ऐसी चीज आपको मिलती है जो कि संदेहास्पद है, वह आपको यदि मिलती है तो समझ जाइए कि दुकान के अंदर कोई ना कोई समस्या किसी और ने खड़ी आपके लिए कर दिया। वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वह आपके सामने की दुकान वाला या फिर आपकी ही दुकान में काम कर रहा कर्मचारी। किसी भी वजह से आपकी दुकान में यदि किया कराया की समस्या आ गई है तो सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है मित्रों, कि किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के अंदर आपको रोली ले लेनी है, और रोली चाहे दो चुटकी लें या पांच चुटकी, आप एक कागज के अंदर उस रोली को रख लीजिए। इस रोली के साथ जितनी आपने रोली ली उतना ही पिसा हुआ कपूर उस कागज के अंदर रखना है, और एक कटोरी के अंदर जिसमें कि इस पूरे के पूरी सामग्री को यानी कि रोली और कपूर को पूरी तरह से जलाया जा सकता हो, कागज समेत, कागज भी कोरा होना चाहिए। सुबह के समय यह उपाय करना है, जिस समय भी आप दुकान या व्यापार में जाया करते हैं या अन्य कर्मचारी आया करते हैं उससे कुछ देर पहले ही चले जाएं दुकान के अंदर, और किसी के आने से पहले ही, यदि 24 घंटे का आपका काम है तो बाकी सारे कर्मचारियों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दें और आप या आपकी पत्नी दो ही लोग इस उपाय के वक्त दुकान के या ऑफिस के अंदर रहें। इस कटोरी के अंदर एकत्रित की गई सामग्री आपको जला देनी है माचिस के द्वारा, यह माचिस भी बिल्कुल नई होनी चाहिए, पहले प्रयोग में नहीं होनी चाहिए। इस माचिस को अब आपको बाहर बहा देना है, यह कार्य आपको बाद में करना है, पहले इस पूरी सामग्री को जो जल गई अच्छे से जल जाने दीजिए और हाथ जोड़कर देखते रहिए इसको, यदि बंद हो जाती है तो दोबारा जलाइए और कपूर बढ़ा दीजिए। इसके बाद जब तक यह पूरी तरह जल नहीं जाता और पूरी तरह से इसकी राख आप एकत्रित कर लेते हैं, इस राख को एकत्रित करने के लिए आप एक काला छोटा सा कपड़ा लेना है जो कि आधा मीटर से भी कम, ताकि इसकी एक छोटी सी पोटली बन सके। इस पोटली को अब आप अपने धन स्थान यानी कि जो भी आपका गल्ला है, तिजोरी है, जो भी पैसा आप व्यापार से आया हुआ, चेक जहां रखते हैं या जहां पर भी आप अपनी चेकबुक रखते हैं, जहां पर भी कैश आपका आता है, उस जगह पर इस पोटली को रख दीजिए। उसके बाद देखिए कि भगवान की कृपा से आपका जो भी व्यापार है, जो भी आपकी दुकान है, जो भी आपका ऑफिस है, वह अब दोबारा कैसे चलने लगता है, और ऐसा आपके साथ भी हो जाए तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे कमेंट बॉक्स के अंदर, और आपका भी कारोबार चल पड़े तो धन्यवाद के रूप में आप सिर्फ जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिख दे, हमें लगेगा कि आपका व्यापार अब चल निकला और आपके लिए यह जो उपाय, जो सटीक उपाय दिया गया सर्वकार्य सिद्धि का, यह आपके लिए भी कारगर रहा। सभी जितने भी लोगों ने इस उपाय को किया और यह पाया कि यह उपाय कारगर है, उन्हीं का बताया हुआ यह उपाय है, इस उपाय को आप भी करें और जैसा भी शुभ कार्य आपके साथ हो जाए तो हमें भी बताएं। इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो तो पूछने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9818 3595 75 पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय मां लक्ष्मी।